नमस्कार, जी चिल्स के इस पॉलिटिकल ब्रेकिंग अंक में आप सभी का स्वागत है। तुर्की ने भारत को ब्लैकलिस्ट में डाला, डिफेंस एक्सपोर्ट पर लगाए पूर्ण प्रतिबंध, एर्दोगान ने खुलकर लिया पंगा। आतंक फैलाने का नया हथियार भारत से सटी पाकिस्तानी सीमा में 13,000 चीनी ड्रोन, खुफिया एजेंसी अलर्ट। शहीद के माता पिता और पत्नी को बराबर का हिस्सा, राशि बंटवारे पर एमपी सीएम मोहन का बड़ा फैसला। असम में सीएनजी की कीमतों में बड़ी गिरावट, सरकार ने वैट 14.5% से घटाकर 5% किया, ये छूट 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी। कैबिनेट के अहम फैसले से जनता को बड़ी राहत। संसद में व्यवधानों को लेकर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने जताई चिंता, बोले सदन में हंगामा करना राजनीतिक हथियार बन गया है। सीएम योगी का कावड़ यात्रा पर आदेश, यात्रा मार्ग की दुकानों पर मालिक अपना नाम लिखें, हलाल सर्टिफिकेशन प्रोडक्ट बेचे तो कार्यवाही होगी। यूपी में बाढ़, काशी में गंगा के 30 घाट डूबे, गोरखपुर में एनडीआरएफ तैनात, मुंबई में 10 घंटे में 101 mm बारिश, 13 राज्यों में अलर्ट। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस हादसे में 3 की मौत, 30 घायल, राहुल गांधी का तीखा हमला, सरकार की घोर लापरवाही और कुप्रबंधन का नतीजा, रेल सुरक्षा पर बड़ा सवाल। मुहर्रम के जुलूस में हनुमान चालीसा का पाठ, उज्जैन में दिखी एकता की शानदार मिसाल। भारत में 1 ग्राम ड्रग्स भी कहीं से आने नहीं देंगे, अमित शाह बोले इसे रोकने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध। यूपी में स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फेरबदल, 8 जिलों के बदले गए सीएमओ, कुल 15 चिकित्सा अधिकारियों के तबादले। सुप्रीम कोर्ट का धमाकेदार फैसला, एनसीआर के घर खरीदारों को बड़ी राहत, बिल्डरों और बैंकों को फटकार, किस्त भुगतान में देरी पर अब नहीं होगी सख्त कार्यवाही। भाजपा के 2 सांसद 21 जुलाई तक तृणमूल में शामिल होंगे, टीएमसी नेता के दावे से गरमाई सियासत। हम एक ही परिवार के सदस्य, पीएम मोदी ने 3 महीने बिना छुट्टी काम करने वाले कार्यकर्ताओं का जताया आभार। लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का गठन, स्पीकर ओम बिड़ला बने अध्यक्ष। बीकानेर में भीषण सड़क हादसा, कार और ट्रक की टक्कर से 2 बच्चे समेत 6 लोगों की मौत। इन सभी न्यूज के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी महत्वपूर्ण न्यूज, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। गोंडा ट्रेन हादसे के बाद कवच सिस्टम लागू करने की मांग तेज, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, जिसमें कवच टेक्नोलॉजी की मांग की गई। ये तकनीक ट्रेनों की टक्कर रोकती है, सिग्नल जंप करने पर ट्रेन खुद रुक जाती है, फिलहाल सभी ट्रेनों में ये सिस्टम नहीं है। असम सरकार का बड़ा फैसला, 1935 का असम मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम निरस्त, बाल विवाह रोकने और लैंगिक न्याय के लिए नए कानून का प्रस्ताव। सीएम हेमंत बिस्वा सरमा बोले बाल विवाह खत्म करने की दिशा में अहम कदम, विधानसभा में मॉनसून सत्र में विधायक पर चर्चा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से तीखा सवाल किया, क्या नीट परीक्षा 45 मिनट पहले लीक हुई, पेपर लीक और धांधली पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान केंद्र और एनटीए से जवाब तलब, परीक्षा रद्द कराने की मांग जोर पकड़ रही। स्वास्थ्य मंत्रालय का जोरदार खंडन, भारत में 0 खुराक वाले बच्चों की संख्या अधिक होने के दावे गलत। मंत्रालय ने कहा भारत का टीकाकरण कवरेज 90% से अधिक है, जो न्यूजीलैंड, जर्मनी और स्वीडन जैसे देशों के बराबर है, गलत तुलना पर मंत्रालय ने सख्त रुख अपनाया। श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया के चयन पर भड़के शशि थरूर, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को बाहर रखने पर बीसीसीआई को खरी खोटी सुनाई, बोले भारत में सफलता चयनकर्ताओं के लिए मायने नहीं रखती। तेलंगाना के सीएम ने किसानों को दी कर्ज माफी की बड़ी सौगात, पहले चरण में 1 लाख रुपए तक ऋण लेने वाले किसानों का लोन माफ होगा। रेड्डी ने सचिवालय में आयोजित एक कार्यक्रम में कुछ किसानों को चेक भी सौंपे, बैंकों को जारी किए गए 6,098 करोड़ रुपए से लगभग 11 लाख परिवारों को लाभ होगा। चुनावी बॉन्ड घोटाले की गूंज, सुप्रीम कोर्ट 22 जुलाई को सुनवाई करेगा, राजनीतिक पार्टियों के कॉरपोरेट चंदे की एसआईटी जांच की मांग। फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना रद्द की थी और एसबीआई को बॉन्ड जारी करने से रोका था। भारत ने लक्षद्वीप में 2 सैन्य हवाई क्षेत्र बनाने की बड़ी योजना को मंजूरी दी, इससे चीन की बढ़ती गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। चीन इस क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, भारत की सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में ये एक बड़ा कदम। प्रशांत किशोर का बड़ा आरोप, शराबबंदी से बिहार में बिगड़ी कानून व्यवस्था, उन्होंने कहा पुलिस शराब खोजने में व्यस्त, कानून व्यवस्था से बेपरवाह। जितन सहनी मर्डर पर जताई संवेदना, बिहार में सुरक्षा पर सवाल उठाए। नेमप्लेट विवाद पर मुख्तार अब्बास नकवी का तीखा हमला, पुलिस अधिकारियों के आदेश को हड़बड़ी में गड़बड़ी करार दिया, बोले आस्था का सम्मान हो अस्पृश्यता नहीं। अखिलेश यादव ने भी आदेश की निंदा की, कहा नाम से पहचान नहीं होती। वहीं मायावती ने कहा फैसला वापस ले सरकार, और ओवैसी ने भी योगी सीएम को चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो लिखित आदेश जारी करें। एमपी के आईएएस नियाज खान का विवादित बयान,
मुस्लिमों की बढ़ती आबादी से बड़ी समस्या। अफ्रीका में 10 से 15 बच्चे हो रहे हैं, भारत में भी यही हाल। एक्सपर्ट टिप्पणी के बाद मचा बवाल। सफाई में कहा, पूरी दुनिया के मुसलमानों पर टिप्पणी, ना सिर्फ भारत। मौलवी मदरसा सिस्टम से तार्किक सोच नहीं आएगी, सही शिक्षा से ही आबादी नियंत्रण संभव। भारतीय युद्धपोत INS तबर जर्मनी के हैमबर्ग पहुंचा। अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस भारतीय नौसेना के सबसे शुरुआती स्टेल्थ फ्रिगेट में से एक, कमान कैप्टन MR हरीश के हाथों में। हैमबर्ग से रवाना होने पर भारतीय और जर्मन नौसेनाएं करेंगी समुद्री साझेदारी अभ्यास। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। दुनिया की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में छत्तीसगढ़ का नाम शामिल। गेवरा और कुसमांडा खदानें दूसरे और चौथे स्थान पर। कोल इंडिया की SECL द्वारा संचालित ये खदानें सालाना 100 मिलियन टन से अधिक कोयला उत्पादन करती हैं। worldatlas.com की सूची में भारत का गौरव। रुद्रपुर में किसानों का बवाल। सांसद अजय भट्ट से नहीं मिल पाने पर किसानों ने कलेक्ट्रेट में किया जोरदार प्रदर्शन। 1.5 घंटे इंतजार के बाद नारेबाजी करते हुए ज्ञापन की पत्तियां जलाई। किसानों ने संसद को किसान मजदूर विरोधी करार दिया। ज्ञापन देने का कोई फायदा नहीं, किसान। जगन्नाथ मंदिर के रतन भंडार में गुप्त सुरंग की अटकलों पर विराम। हाई कोर्ट के जस्टिस विश्वनाथ रथ ने 7 घंटे के निरीक्षण के बाद कहा, कोई सुरंग नहीं मिली। पुरी के राजा ने ASI को लेजर स्कैनिंग की सलाह दी। लोगों से सोशल मीडिया पर गलत सूचना ना फैलाने का आग्रह। भारत गहरे हिंद महासागर में दुर्लभ खनिजों और धातुओं की खोज करेगा। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च के साथ 89.5 मीटर लंबा शोध पोत बनाने का समझौता किया। ये पोत भारतीय शिपयार्ड में बनाया गया सबसे बड़ा पोत होगा। 36 महीने में तैयार होगा। हाथरस में कार्यक्रम के दौरान यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, चरण रज जैसे अंधविश्वास से बड़ा हादसा हुआ। अंधविश्वास में मत पड़िए, ऐसे भ्रम फैलाना गुनाह है और दोषियों पर कार्यवाही होनी चाहिए। अंधविश्वास के खिलाफ सख्त संदेश। शिवाजी महाराज का ऐतिहासिक वाघ नख महाराष्ट्र सरकार को सौंपा जाएगा। लंदन से लाया गया ये हथियार जिससे 1659 में अफजल खान को मारा गया था, अब सातारा म्यूजियम में प्रदर्शित होगा। शिवाजी की वीरता का प्रतीक जनता के दीदार के लिए उपलब्ध। मुजफ्फरनगर रेहड़ी नाम विवाद पर ट्रोल हुए नकवी का जोरदार पलटवार। ट्रोलर्स को करारा जवाब देते हुए कावड़ यात्रा की पुरानी तस्वीर शेयर की। बोले, आस्था का सर्टिफिकेट मुझे ना बांटो, ऐसा है शून्यता और अस्पर्शता का बंधक नहीं होना चाहिए। नकवी की तस्वीर में कावड़ उठाए नजर आ रहे हैं। RSS प्रमुख मोहन भागवत के भगवान वाले बयान पर कांग्रेस ने PM मोदी को घेरा। जयराम रमेश ने कहा, भगवान की टिप्पणी प्रधानमंत्री की आलोचना है। भागवत बोले, प्रगति का कोई अंत नहीं, लोग भगवान बनना चाहते हैं, बयान पर राजनीतिक घमासान। नीतीश कुमार की JDU को बड़ा झटका। भवानीपुर प्रखंड अध्यक्ष मुकेश कुमार दिनकर ने इस्तीफा दिया। रुपोली में हार के बाद दिनकर ने कहा, मेहनत के बावजूद समर्थन नहीं मिला इसलिए पद छोड़ा। तमिलनाडु के CM MK स्टालिन अपने बेटे उदय निधि को उप मुख्यमंत्री पद पर प्रोन्नत कर सकते हैं। द्रुमुख सूत्रों के अनुसार 2026 विधानसभा चुनाव में उदय निधि पार्टी का चेहरा होंगे। पार्टी केडर और नेता इस कदम से चुनावी लाभ की उम्मीद कर रहे हैं। उदयनिधि सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी कर चुके हैं। NIA ने कनाडा स्थित वांछित खालिस्तानी आतंकवादी लखबीर सिंह संधू के प्रमुख सहयोगी बलजीत सिंह को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया। बलजीत सिंह उर्फ राणा भाई पंजाब के लांडा में एजेंटों को हथियार सप्लाई करता था। इस गिरफ्तारी से खालिस्तानी नेटवर्क को बड़ा झटका लगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।